शुगर वाला बंदा हम में से मिस है, ठीक है? तो शुगर वाला बंदा आपको थोड़ी देर बाद कहते कैमरे में आपको वो भी दिखेगा अभी। इस चैनल के थ्रू मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए मैं आंसू भी निकल आया, 4 साल हो गए हैं, ठीक है? 30,000 मैंने कहीं इन्वेस्ट किया होता, मैं 70 अपनी नहीं ले ली थी। किंग ऑफ कॉमेडियंस अभी तक बाकी हैं। तो लोग हम उन्हें प्यार से कहते हैं, है वो गद्दार ही वैसे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक। भट्ट साहब कैमरे के साथ ही आ गए हैं आज भी आप। आपने बुलाया हम कैमरे के साथ ही आ गए। जबरदस्त जबरदस्त। आए भट्ट साहब आपको चीज चेक करवाएं। भट्ट साहब शिनवाड़ी का थोड़ा सा टच दिया है इसमें, ये आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल जी, बस। अब देखने में कैसी लग रही है ये आपको? देखने में तो बहुत मजे की लग रही है, और जो इसके ऊपर ये जो चर्बी है ना, ये चर्बी तो सारी मैंने खा ली है, मैं बड़े शौक से खाता। इसके लिए फिर आपको 2 दिन पहले आना चाहिए था, जिसका बारबेक्यू किया था हमने। सर अब आप बिजी लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये देख सकते हैं इसके साथ ही आज की गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, छत पे कुछ मौसम ठीक है पहले से, आज बस विद इन 10 मिनट्स हम लोग छत पे चलेंगे, तब तक उसको इसको हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे। छत पे दूसरे दोस्त भी बैठे हैं, आपको उनसे भी मुलाकात करवाते हैं, आप हमारे साथ चलें फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप चलें तो सही, फिर बाकी बातें ओपन कर लेते हैं आपसे। सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा, अभी ये कढ़ाई बनने में कितना टाइम बाकी रहेगा? अभी तकरीबन इसमें 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा। मैंने तो दोपहर की रोटी खाना भी नहीं खाया, तो आपने कहा था कि आ जाना तो काम सब रेडी होगा। सब कुछ रेडी है, बस तैयार हो रहा है। कुछ अच्छा खाने के लिए बस अब टाइम तो फिर लगता है ना। और ये जो आगे मथे पर पसीना भरा रहा है इसको आप, ये गर्मी की वजह है, आपके सामने कितनी गर्मी में खड़ा होकर बनाना इसको काम है। ये भी आप लोगों का प्यार है, आप लोग आते हो हमारे पास। यार बनी नहीं अभी तक, ये सुबह से बनाया था मुझे इन्होंने यार, कढ़ाई खाने के लिए। अभी देखो कढ़ाई बन रही है, बिल तो बनाने तो इंतजार हो रहा था यहाँ पे। मैं करता हूँ इसे, चेक करता हूँ, फ्राई करता हूँ। मुझे तो भाई इसने 10 बजे टाइम दिया था, अगर 11:30 भी जाएंगे मुझे पता कि ये मुझे हमेशा पहले बुलाता है। और साहब सिर्फ आपकी वजह से जो है ना वो लेट हुए हैं। आप कह रहे थे मैं लेट आऊँगा। जो कि 200 रुपए का मिलता है, आज 400 का मिला ब्लैक में। और ये वो यूज में लेके हैं जो पहले का पड़ा। एक टाइम देखे मेरी बात सुने, आपने मेरे साथ आना था, आप मुझे कंफर्म करते पहले, आप मुझे जब निकलना तब मुझे बेल कर रहे हैं। नहीं इसका ये राज है, मैं उस्मान गाजी से जो है ना इंस्पायर हो गया, तो मैंने ये रखी तो जो है ना, लेकिन मैं उस तरह का लग नहीं रहा, मुझे बड़ा अफसोस है। पूरा सीजन देखा है आपने? वो देखना है मैंने, इससे पहले मुझे रखी है मैंने ना, वो सीजन देख लिया। नहीं उस्मान का नहीं देखा अभी, उर्तुगुल के 500 देख लिया। हाँ 50 दिनों में देखे हमने, रिकॉर्ड कायम किया है। और मैंने बड़ा उसको इंजॉय किया है। घोड़ा और तलवार आ रहा है ना सर, वो छोटी है उसके लिहाज से। तो जी मैं उसको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अब अगला जो सेकंड सीजन आ रहा है ना, उसमें तुर्गुत को उर्तुगुल को लेके हैं, बोर हो गए आपको देखते कि। हाँ लेकिन वो तुर्गुत का जो है इंटरव्यू आया कि मैं नहीं आ रहा है। और मैं को एक और बात बताता हूँ, काई के पीले वाले जब भी खाना खाते थे ना, मुझे भूख लग जाती थी। हाँ और उनको शर्म करनी चाहिए यार, हर दफा दुम्बा ही खाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भट्ट साहब, यहाँ पे हम बारबेक्यू के साथ साथ जो है शीशे का भी इस्तेमाल करेंगे सब दोस्तों की। शीशा शीशा पहले बारबेक्यू बाद में।
आज आपको पता है कि आपने टमाटोज वाला निशान है, आपने इसके बारे में उसको बुक करानी है, तो आपको जो है ना निशान मिलना है। नहीं आज मैं कैमरा मैन हूँ, आज मैंने कोई सीखने को जानी इसको अपने ग्रुप से हमने छोटे में आगे निकालना है। इनके वीडियो वायरल करते हैं, ये जो जो काम करते हैं ना, ये जो सभा बन के कहते हैं मुझे लोड करा दो वहाँ में वापस दे दो, ये हम वायरल कर देते हैं। तो व्यूवर्स कढ़ाई हमने खा ली है, बहुत मज़े की कढ़ाई थी। सब ने बट साहब ने तो 6 नान खाए हैं और मैंने तो आधा ही खाया ना। तो खैर अभी हम सब दोस्त आपके सामने हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, सबसे पहले हसन भाई का। जी अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम हसन है। तो आज सब घर पर इस तरह दोस्तों की गेट टुगेदर की हमने छोटी सी, और साथ हमने छोटा सा बारबेक्यू का रखा, ये आप देख सकते हैं इस पर, और साथ शीशा भी है, दोस्त हैं, इंजॉयमेंट के लिए ये हमने माहौल बनाया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। पहले हम लोगों ने कढ़ाई खाई है, दुम्बा कढ़ाई बनी थी, ये बाकी सब आपको बता सकते हैं कि कैसी बनी होगी। ये मेरी तरफ से बिलाल भाई आपको बताएंगे। एहसन चले पहले एहसन साहब। अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम एहसन है और मैं आपको बताता चलूँ, आज तकरीबन काफ़ी सालों के बाद जो है हमने बकरा खाया है, क्योंकि लोहर में आपको पता है खोता ब्रांड चलती है, खोता ही चलता है, और उसमें बकरा इसलिए खाया गया कि कुर्बानी थी। और इससे इसी बात पे थोड़ी रोशनी डालेंगे बट साहब, और आज एक बंदा हमारे अंदर मौजूद है जो बट साहब का शुक्र लगाने लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम, ठीक है, और हसन साहब ने आज ये सारा बारबेक्यू का एहतमाम किया, ठीक है, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। बारबेक्यू से ज़्यादा मज़े की चीज़ सबसे पहले जो हसन ने ट्राई की दुम्बा, ठीक है ना, वो बहुत ही मज़े का था, ठीक है। और सबसे मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी, क्या कहते हैं, जो हम मिस कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है ना, एक शुगर वाला बंदा हम में से मिस है, ठीक है। तो शुगर वाला बंदा आपको थोड़ी देर बाद, क्या कहते हैं, कैमरे में आपको वो भी दिखेगा अभी, ठीक है, उसको साथ बैठा के हम शुगर करेंगे, ठीक है। प्लान क्या होगा, ठीक है, बाकी उसका जो एक खास प्लान था, ठीक है, आम सा प्लान वो बताएंगे जो उन्होंने शुगर लगाना था मेरा, ठीक है, तो साथ बैठा के इधर शुगर लगाएंगे, बाकी रोशनी नबील मुजीद डालेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील है। मैं हूँ नबील और आज मैं आया हूँ अपने दोस्त हसन के घर, शेख हसन साहब के पास। तो डेली हम इनके साथ शीशा पीते हैं, बहुत टेस्टी शीशा बनाते हैं ये। तो अब जाके देखते हैं वो अंदर क्या कर रहे हैं, तो कैसे ये सारा प्रोसेस करें, कैसे शीशा का क्या देखते हैं वो क्या कर रहे हैं आज। और जैसा कि जानते हैं आज दुम्बा कढ़ाई बनी है बारबेक्यू का, सब दोस्त इसी बहाने से हम मिल जाते हैं, बहुत मज़ा आता है, तो फुल इंजॉय हुआ है आज, सब दोस्त मिलके बैठे हैं, बहुत खुशी हो रही है। और बाकी उसामा के बगैर तो इंजॉय हो नहीं सकता था, अभी तक समझ नहीं आ रही, उसने कहा था कि शुगर लगाएंगे, वो कौन सा लगाना है, इसने शुगर अभी तक कुछ पता नहीं है, तो ये एंड पे इस चीज़ के ऊपर हम रोशनी जरूर, अभी वो कैमरा मैन है लेकिन एंड पे इस चीज़ पर ना हम रोशनी ज़रूर डालेंगे कि वो क्या चाहता है, शुगर लगाना चाहता है। बहरहाल बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अब आप
और आज हम अपने एक दोस्त को बहुत मिस कर रहे हैं, मियां दिल, वी मिस यू ऑल, वी मिस यू मियां जी, मियां जी आपको दफनाने के टाइम देखना पड़ेगा लगता है, उससे पहले तो आपका नज़ारा नहीं मिलना हमें। ये बिलाल साहब से बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम बिलाल है। हाँ वो जो मियाँ जिसकी बात हो रही है ना, मैं उसके एक पैगाम उसको देना चाहूँगा। यार तेरी मेहरबानी, मेरा 30,000 बाकी दे दे। इस चैनल के थ्रू मैं पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए मेरे आंसू भी निकल आए, 4 साल हो गए हैं। ठीक है, 30,000 मैंने कहीं इन्वेस्ट किया होता, मैं 70 अपनी नहीं ले ली थी। लेकिन मैंने मांग मांग के जो है ना वो बाइक पर आता हूँ। और बारबेक्यू के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। सुबह जब हसन भाई ने फ़ोन किया तो मैं तो सुन के मैंने कहा यार ये कितने सियापे पहन लगे हैं गर्मी में, लेकिन जब आया यहाँ पे तो मौसम बड़ा अच्छा है और बड़ा मज़ा आया, और बारबेक्यू का भी मज़ा आया। इससे पहले हमने जो है ना नेट से रेसिपी देख के हसन भाई ने सुल्तानी कढ़ाई दुम्बा सुल्तानी दुम्बा कढ़ाई हमें खिलाई है, और वो खाने के बाद बारबेक्यू देख के वैसे ही पड़ा, किसी का दिल नहीं कर रहा खाने को, तो बहुत मज़ा आया जी। बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स, आज का हमारी पार्टी अभी जारी है, शीशा ऑन है और ये शीशा चलेगा तकरीबन 2 से 3 बार। और अभी हमारे जो कैमरा मैन है उसामा, अब हम इनसे भी बात करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बारबेक्यू शीशा वगैरह पार्टी अभी तक चल रही है, लेकिन सबसे हमारे इम्पोर्टेंट मेहमान खसूसी किंग ऑफ कॉमेडियंस अभी तक बाकी हैं, जिन्होंने आज बाट साहब का शुगर लगाया था। कुतोगलो हम उन्हें प्यार से कहते हैं, है वो गद्दार ही वैसे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इस मुल्क की शान है आप, मोहल्ले की आन है आप, लीजिए उसामा भाई। यार मैं क्लैपिंग 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 मैं नहीं बोल रहा उसामा भाई, करें उसामा यार नहीं बोल रहा यार, नाम अपना एंटरटेन करवा दो यार, मेरे से नहीं आते बंदी से देखा तुझे भी मेरा सर को नहीं देखा जा रहा, यकीन को नहीं देखा जा रहा। ये वही बच्चा है जिसने आज व्यूअर्स बिल में आज इस महफिल में ये वही बच्चा है जिसने आज इस महफिल में शुगल शुगल वाली बात स्टार्ट की थी, आज इसका अपना ही मुझे लगता है शुगल बन रहा है। यार मैंने चुगल की बात की नहीं है। ये जो हमारे सामा साहब आप देख रहे हैं उठ गए हैं, ये इन्हें कुछ चुपी है जैसे। और हाँ व्यूअर्स, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको बताऊँ, ये वो बंदा है जो पूरे पाकिस्तान को मैसेज भेजता है कि मेरी मम्मी बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा नाम सबा है, 30 रुपये का लोड करवा दें, आधा घंटा बात करें। लोड वाली सभा है व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं समा भाई पे हम मुसलसल फोकस कर रहे हैं, लेकिन इनका शैतान जाग नहीं रहा अभी तक, इनका पट्टी सोया हुआ है, और सुता पट्टी जगह है। व्यूअर्स अभी हम कैमरे का करते पहले दिखाएंगे समा साहब। ये देखिए व्यूअर्स, अभी एक नया प्रैक्टिकली होने लगा है, ये देखिए इससे पहले समा साहब कहते, इससे पहले एक मिनट इन सीखों से पहले समा साहब बोकर बैग में लेके कहते थे मुझे मोड़ को। व्यूअर्स जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों का सुल्तान आई छप जी में आड़ी पीरी। व्यूअर्स बहुत शुगर लग गया है अब जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जाते जाते हम मियां साहब को एक बार फिर मैसेज देंगे। मियां साहब जानते हो।